तो आज मैं सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus का रिव्यू करने जा रहा हूँ। दोनों का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी A51 जो कि वाइट कलर में मौजूद है। रैम जो है A51 का तो 6 GB रैम हमें इसमें मिलता है, और मेमोरी की बात हो तो ये 64 से लेकर 256 GB तक आप मतलब ये मिलता है। डिस्प्ले हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है A51 में। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट में बनाया गया फ़ोन है। मेन कैमरा इसमें हमें 48 MP कैमरा मिला है LED फ्लैश पनोरमा के साथ। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस पर कर सकते हैं। और अगर इसकी वेट की बात की जाए तो बहुत ही लाइट वेट में बनाया गया फ़ोन है। इसका वेट जो है 172 ग्राम है, जो कि बिल्कुल लाइट वेट में बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ और स्मूथ कंडीशन में बनाया गया फ़ोन है। बहुत फास्ट है, 2019 मेड फ़ोन है। तो ये आप कैमरा भी देख सकते हैं, 48 MP बैक कैमरा है ये आप देख सकते हैं। कैमरे वाइज फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अच्छा फ़ोन है। अब आते हैं सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus, जो कि हाइएस्ट फ़ोन था अपने टाइम में, हेवीएस्ट फ़ोन था। तो ये आप देख सकते हैं ये मॉडल 2018 है ये आप देख सकते हैं। और अगर नेटवर्क की बात की जाए LTE नेटवर्क पर इस पर यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी वेट की बात की जाए तो 172 ग्राम है। बैक साइड पे आपको ग्लास मिलता है। और डिस्प्ले की बात हो तो सुपर एमोलेड HDR10 डिस्प्ले हम इसमें मिलती है, जो कि A51 से हाई डिस्प्ले है। और अगर डिस्प्ले की साइज़ की बात हो तो 6.2 इंच डिस्प्ले हमें मिलते हैं, जो कि 98.3 cm में मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं फ़ोन बहुत खूबसूरत शेप में बनाया गया फ़ोन है और काफ़ी फास्टेस्ट फ़ोन है। रैम की बात हो तो 6 GB रैम में भी ये भी मिलता है हमें, और स्टोरेज 64, 128, 256 हमें S9 Plus में मिलते हैं, जैसे कि सेम स्पेसिफिकेशन मतलब A51 में और सैमसंग गैलेक्सी S9 में सेम स्पेसिफिकेशन है। रैम वाइज और स्टोरेज वाइज दोनों में 6 GB रैम है और 128, 256 GB रोम हमें मिलता है। तो ये आप कैमरा देख सकते हैं। बैक कैमरा जो है S9 Plus का 12 MP कैमरा है, जो कि 26 mm वाइड है। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा कैमरा जो है वो भी 12 MP हमें मिलता है। LED फ्लैश हमें इसमें मिलती है, पनोरमा मिलती है, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इस पर कर सकते हो, वो भी 60 FPS तक आप इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमें इसमें बैक साइड पे फिंगरप्रिंट मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। दोनों फ़ोन एक साथ लुक वाइज दोनों ही बहुत खूबसूरत फ़ोन है। S9 Plus 2018 मेड है, और A51 जो है वो 2019 में है, 1 ईयर लेटेस्ट फ़ोन है। दोनों का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं दोनों का लुक वाइज। तो ये आते हैं आप डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं A51 जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और S9 Plus जो है सुपर एमोलेड HDR10 डिस्प्ले है। तो यहाँ S9 Plus ने जीत लिया। स्क्रीन साइज़ की बात हो तो 6.5 इंच डिस्प्ले है, वो A51 का 6.5 इंच डिस्प्ले है, और S9 Plus का जो है 6.2 इंच डिस्प्ले है। तो यहाँ साइज़ वाइज A51 ने जीत लिया। तो ये आप देख सकते हैं दोनों का स्पीड वगैरह भी आप देख सकते हैं, कौन सा स्मूथ है ये आपके सामने है। तो ये आप देख सकते हैं फ़ोन दोनों ही फास्ट फ़ोन है। रिजोल्यूशन की बात हो तो A51 जो है 1080x2400 पिक्सल रिजोल्यूशन में हमें मिलता है, और S9 Plus हमें 1440x2960 पिक्सल में मिलता है। तो यहाँ रिजोल्यूशन वाइज सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus ने जीत लिया। रिजोल्यूशन S9 Plus का हाई है। तो अब आते हैं मेन कैमरे की तरफ। A51 जो है हमें 48 MP में मिलता है, और S9 Plus जो है वो हमें 12 MP में मिलते हैं। तो यहाँ कैमरा वाइज A51 ने जीत लिया। A51 का कैमरा हाई भी है और बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट शो करता है कैमरे में। तो आप ये देख सकते हैं दोनों आपके सामने हैं, साफ ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ A51 का कैमरा साफ है और क्लीन है और क्लियर है। ये आप देख सकते हैं, मैंने दोनों पे जूम कर दिया है। S9 Plus भी आप चेक कर सकते हैं, और
A51 भी आप चेक कर सकते हैं। स्पीड वाइज आप S9 Plus का कह सकते हैं कि S9 Plus जो है वो हैवी से फ़ोन है, फास्ट फ़ोन है, लेकिन कैमरा वाइज में यहाँ A51 ने जीत लिया। ये आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल में A51 है और 12 मेगापिक्सल में S9 Plus है। तो अभी ऑफ करने जा रहा हूँ, आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा फास्ट है ओपनिंग में, तो अभी पता चल जाएगा कि कौन सा फास्ट है। दोनों का रैम बिल्कुल सेम है, 6 GB रैम है, लेकिन यहाँ मतलब GPU वगैरह में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ S9 Plus पहले ऑन हो गया और F51 ने ज़रा टाइम लिया। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी ऑन नहीं हुआ, लेकिन जब फुल डिस्प्ले आ जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा इन दोनों में जीतेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ही सेम टाइम में मैंने ऑफ़ किए थे, तो यहाँ S9 Plus ने जीत लिया। प्रोसेसर वाइज S9 Plus काफ़ी हैवी फ़ोन है, तो यूजिंग वाइज Samsung Galaxy S9 Plus जो है वो Samsung Galaxy A51 से बहुत हैवी और बहुत फास्ट फ़ोन है विदाउट मतलब कैमरे के बगैर। कैमरा जो है A51 का अच्छा है, तो ये देख सकते हैं बहुत टाइम ले लिया A51 ने और मैंने बहुत ही यूज़ कर दिया, अभी तक A51 ने डिस्प्ले नहीं रहा है। मतलब यहाँ साफ आपको नज़र आ रहा है कि S9 Plus ने जीत लिया। OS प्लेटफॉर्म की बात हो तो एंड्रॉयड 10 है A51 और एंड्रॉयड 8.0 है मतलब S9 Plus, क्योंकि वो ओल्ड मॉडल है 1 ईयर अपग्रेडेबल, मतलब दोनों के सेम OS है, आप इस तरह समझ ले। चिपसेट की बात हो तो A51 जो है Exynos 6 Gen में 11 है और यहाँ पे S9 Plus का Exynos 8 में 10 है, तो यहाँ आप समझ ले कि यहाँ प्रोसेसर वाइज जो है यहाँ S9 Plus ने जीत लिया। S9 Plus Qualcomm हमें इसमें मिलता है और Snapdragon प्रोसेसर हमें इसमें मिलता है वो भी 845, जो कि यहाँ पे चिपसेट में प्रोसेसर वाइज S9 Plus बहुत हाईएस्ट और हैवी फ़ोन है बनिस्बत A51 जो है इसका प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं है जो कि S9 Plus का है। तो यहाँ S9 Plus बहुत हैवी है, तो आपने देख लिया मतलब दोनों का प्रोसेसर भी आपने देख लिया। अब आते हैं CPU की तरफ। A51 जो है ऑक्टोकोर है, 4X2 है, कॉर्टेक्स है, गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A53 है, और अगर यहाँ S9 Plus की बात हो तो ऑक्टोकोर 4X2.7 गीगाहर्ट्ज़ में यूज़ M3 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A50 है ऑक्टोकोर। यहाँ हमें दो प्रोसेसर जो है S9 Plus में मिलते हैं, तो यहाँ भी S9 Plus ने CPU वाइज भी जीत लिया। GPU की बात हो तो माली G52 MP3 GPU हमें A51 में मिलती है, और अगर S9 Plus की बात हो तो S9 Plus जो है वो हमें माली G72 MP18 में मिलता है और सेकेंड एंड्रीनो 630, मतलब यहाँ डुअल हमें सब कुछ S9 Plus में मिलता है। A51 में हमें सिंगल प्रोसेसर GPU मिलते हैं और S9 Plus में हमें डुअल सब कुछ मिलता है, डुअल GPU मिलती है, डुअल प्रोसेसर मिलता है, तो साफ सी बात है तो यहाँ पे S9 Plus ने जीत लिया क्योंकि वो डुअल है, डुअल प्रोसेसर है, डुअल GPU है, डुअल चिपसीट है, तो यहाँ S9 Plus ने जीत लिया। तो ये आप देख सकते हैं। फिंगर की बात हो तो हमें फिंगरप्रिंट जो है S9 Plus में बैक साइड में मिलती है और A51 में फ्रंट साइड में मिलती है, तो ये आप देख सकते हैं। और मेमोरी कार्ड की बात हो तो आप दोनों मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, S9 Plus में भी मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो और A51 में भी मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ़ी कैमरे की बात हो, A51 का सेल्फ़ी कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल है, 2.26 mm वाइड है, और S9 Plus का कैमरा जो है सेल्फ़ी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल कैमरा है। तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि सेल्फ़ी कैमरा में भी A51 ने जीत लिया। कैमरा वाइज जो है अगर मेन कैमरा हो और अगर सेल्फ़ी कैमरा हो, यहाँ पे A51 ने जीत लिया है S9 Plus से। बाकी प्रोसेसर वाइज, स्पीड वाइज जो है और गेमिंग वाइज S9 Plus हाई है। 51 की बैटरी जो है 4000 mAh है, S9 Plus की बैटरी 3500 है। तो